हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट चैनल मिकी क्लासेस। तो दोस्त, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं बात करने वाला हूँ UPSC जूनियर असिस्टेंट 2022 की वैकेंसी के बारे में कि मतलब इसके मेंस के एग्ज़ाम को देने के लिए आप लोगों का पेट 2021 में कितना स्कोर रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्त UPSC आयोग के द्वारा यहाँ पर उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर जो मेन्स एग्ज़ाम देने के लिए आप लोगों का जो कट ऑफ रिलीज़ हुआ है कि आप लोगों का पेट 2021 में कितना नंबर होना चाहिए, कितना स्कोर होना चाहिए, यहाँ पर इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर इस नोटिस को जारी कर दिया, कट ऑफ जारी कर दिया कि आप लोग मेंस एग्ज़ाम देने के लिए आप लोग को का कितना नंबर होना चाहिए। ठीक है, कितना कट ऑफ मतलब यहाँ पर बना है, चलिए देख लेते हैं। तो मैं कट ऑफ के बारे में यहाँ पर आप लोगों से बात करूँगा, उसके बाद से आप लोगों का UPSC जूनियर असिस्टेंट का जो मेन्स का एग्ज़ाम है उसके लिए जो सिलेबस इन्होंने जारी किया है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ जूनियर असिस्टेंट्स के मेंस के एग्ज़ाम को देने के लिए जो कट ऑफ इनके द्वारा रिलीज़ किया गया है कि मतलब आप लोगों का पेट 2021 में कितना स्कोर होना चाहिए, तो यहाँ पर दोस्त इन्होंने जनरल का जो कट ऑफ बनाया है यहाँ पर 71.87 यहाँ पर कट ऑफ बनाया है कि मतलब कि अगर जनरल कास्ट वालों का अगर UPSC पेट 2021 में जो उनका नंबर था वो 71.87 से ज़्यादा है तो वो सब जो है इस एग्ज़ाम को, इस मुख्य परीक्षा को, कनिष्ठ सहायक की मुख्य परीक्षा को दे सकते हैं। ओके, उसके बाद से अगर मैं बात करूं दोस्त यहां पर एससी कास्ट का मतलब जो कटाव बना है वो कितना बना है तो 69.06 यहां पर इनका कटाव बना है। ओके, उसके बाद से यहां पर अगर एसटी की मैं बात करूं तो एसटी का बना है दोस्त 54.53 यहां पर कटाव बना है। उसके बाद से ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी वर्ग का जो कटाव बना है यहां पर दोस्त तो 71.87 यहां पर कटाव बना है। ओके, और यहां पर अगर मैं बात करूं दोस्त ईडब्ल्यूएस वालों का कटाव कितना बना है तो इनका भी 71.87 कटाव बना है। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग तीन जगह पर 78.87 यहाँ पर जनरल वालों का, उसके बाद से ओबीसी वालों का और ईडब्ल्यूएस वालों का, तीनों लोगों का जो कट ऑफ है, तीनों ग्रुप का जो इसके जो स्टूडेंट हैं जनरल, ओबीसी और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस, इनका कट ऑफ सेम है, मतलब कि 71.87 से नंबर से जो भी ज़्यादा नंबर है जिनका पेट 2021 में, ठीक है, तो वो सभी मुख्य परीक्षा जूनियर असिस्टेंट के मेंस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। और बाकी सबसे कम जो कट ऑफ बना है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 54.53 यहाँ पर कट ऑफ बना है, 54.53 यहाँ पर एसटी वालों का जो है कट ऑफ बना है 54.53 और बाकी एससी वालों का 60.06 यहाँ पर कट ऑफ बना है। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्त क्षैतिज आरक्षण वालों का, जिनको आरक्षण के बेस पे यहाँ पर जो कट ऑफ रिलीज़ हुआ है उनका कैसे है, तो यहाँ पर दोस्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पर जो आश्रित जो भी स्टूडेंट है, ठीक है, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पे जो भी आश्रित स्टूडेंट है उनका 59.92 कट ऑफ बना है। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्त सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक का जो कट ऑफ बना है 36.70 कट ऑफ बना है। ठीक है, तो इनका दोस्त यहाँ पर बहुत ही कम कट ऑफ गया है, 30 और वैसे भी कम कट ऑफ इनका जाता ही है। उसके बाद से खिलाड़ियों हेतु यहाँ पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु यहाँ पर जो कट ऑफ बना है वो यहाँ पर देख सकते हो नीचे, महिलाओं के लिए यहाँ पर वांछित संख्या में अभ्यर्थियों संबंधित मूल्य श्रेणी में सम्मिलित हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर दृष्टिबाधित लोगों का यहाँ पर 51.01 है। उसके बाद से यहाँ पर बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास, मतलब कि जो सुन नहीं सकते हैं, ठीक है, उनका जीरो से मतलब 7.32 नंबर भी है तो भी उनका जो है यहाँ पर कट ऑफ क्लियर हुआ है। ओके, तो ये था कट ऑफ के बारे में, जो मेन कट ऑफ हमारा है जिसको जानना ज़रूरी होता है वो आप लोगों का ये कट ऑफ है। ठीक है, ये वाला कट ऑफ है जिसमें से आप लोगों का जनरल का मैंने बताया 78.87, एससी का बताया मैंने 69.06 और एसटी का बताया मैंने 54.53 और ओबीसी का मैंने बताया 78.87 और ईडब्ल्यूएस का बताया 78.87। मतलब कि इतने नंबर से अगर इतना नंबर या तो इतने नंबर से ज़्यादा आप लोगों का नंबर है पेट 2021 में तो आप लोग इस मुख्य परीक्षा को, कनिष्ठ सहायक के मुख्य परीक्षा को आप लोग देने के लिए एलिजिबल हो। ओके, तो ये तो हो गई दोस्त आप लोगों का मुख्य परीक्षा जूनियर असिस्टेंट के मेंस एग्ज़ाम को देने के लिए जो कट ऑफ है वो मैंने बताया। उसके बाद से अगर मैं बात करूं यहाँ पर दोस्त UPSC जूनियर असिस्टेंट 2022 के मेंस एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस है उसके बारे में, तो यहाँ पर दोस्त आप लोग देख सकते हो यहाँ पर टोटल पाँच पार्ट से यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे आप लोगों के इस एग्ज़ाम में। टोटल आप लोगों के पास 2 घंटे का टाइम होगा, ठीक है, 2 घंटे का टाइम होगा इस एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद से यहाँ पर अगर मैं भाग एक की बात करूँ तो भाग एक में
आप लोगों का हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता से क्वेश्चन आएगा, जिसमें से प्रश्नों की संख्या होगी दोस्त 30 और कुल निर्धारित जो अंक होंगे 30 ही होंगे, क्योंकि एक एक नंबर का ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। उसके बाद से अगर मैं सेकेंड बात करूँ तो सेकेंड है दोस्त आप लोगों का सामान्य बुद्धि परीक्षण, जो कि है रीजनिंग सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्त 15 क्वेश्चन रहेंगे, जिससे 15 जो कि 15 नंबर के होंगे। ओके, उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्त सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी जो भाग 3 है सामान्य जानकारी की, उसमें से 20 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे जो कि 20 नंबर के होंगे। और अगर मैं भाग 4 कंप्यूटर, भाग 4 की बात करूँ तो वो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक यहाँ पर प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, यहाँ से कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी करंट के और जो भी आप लोगों के प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी कंप्यूटर पर बेस्ड है, वो सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 नंबर के। ओके, उसके बाद से अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ जो लास्ट वाला जो पार्ट है वो है आप लोगों का उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। ठीक है, इससे क्वेश्चन आएंगे 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। टोटल आप लोगों के 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे कितने नंबर के, 100 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाएंगे। ठीक है, टोटल आप लोगों के पास 120 मिनट मतलब कि 2 घंटे का टाइम होगा। अब मैं अगर मैं बात करूं यहाँ पर दोस्त हिंदी परिज्ञान, हिंदी परिज्ञान से जो भी क्वेश्चन आएंगे मतलब कि किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पर दिया गया है भाग एक में हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता में उम्मीदवारों से हिंदी भाषा का ज्ञान तथा उनके समझ एवं लेखन की योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट परीक्षा के स्तर का होगा। मतलब कि ये जो हिंदी से क्वेश्चन आएंगे वो आप लोगों के 12वीं जो क्लास है उस पर बेस्ड होगा, जो कि यूपी बोर्ड 12 के का जो भी आप लोग जो भी सिलेबस है, ठीक है, हिंदी का, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे। उसके बाद से अगर मैं सेकंड बात करूँ, सेकंड है आप लोगों का सामान्य बुद्धि परीक्षण मतलब रीजनिंग सेक्शन से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो इस परीक्षण का उद्देश्य किसी भी नई परिस्थिति की समझने, मतलब कि इससे जो आप लोगों का सिंपली जो आप लोगों का रीजनिंग क्वेश्चन आता है ना यूपी SSSC में, उससे जो वही सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे सामान्य बुद्धि परीक्षण में। ओके, अगर मैं सामान्य जानकारी की बात करूँ यहाँ पर GS की बात करूँ जी के GS की बात करूं, तो यहाँ पर दोस्त दिया है प्रश्न पत्र का यह भाग उम्मीदवारों की चारों ओर उसके वातावरण के बारे में, उनकी सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके इस्तेमाल के बारे में, उसकी योग्यता के आंकने के लिए इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न भी रखे जाएंगे जिनसे ऐसी समसामयिक घटनाओं तथा प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने तथा अनुभव में आने वाले तथ्यों, जिनमें ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्य भी सम्मिलित हो सकते हैं, विशेषकर भारत से संबंधित होंगे, ठीक है, एवं उनके वैज्ञानिक पहलुओं का ज्ञान आका जा सके। मतलब कि जो सामान्य जानकारी होगी मतलब सिंपली आप लोगों को वन लाइनर इसमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें आप लोगों की बुद्धि परीक्षण भी ये सब जाँचेंगे कि मतलब कि अगर कोई परिस्थिति आ जाती है तो आप लोग उस टाइम पर आप लोग कौन सा एक्शन ले पाओगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे भारत से रिलेटेड। और अगर मैं बात करूं यहां पर दोस्त भाग 4 की, तो यहां पर दोस्त कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान से यहां पर कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो है दोस्त प्रश्न पत्र के इस भाग में उम्मीदवारों से कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग इंटरनेट, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब जो WWW का है परिचय, यहाँ पर भविष्य के कौशल एवं साइबर सुरक्षा का अवलोकन, वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व तथा कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऑफ पर आधारित एवं इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों से प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब कंप्यूटर में जो सिंपली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भी जो करंट के जो क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कंप्यूटर से इस टॉपिक को मतलब कि कंप्यूटर की पतली बुक आती है जो कि आप लोग कोई भी मार्केट से आप लोग पतली बुक ले सकते हो कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है, और जो करंट का जो है कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो करंट के क्वेश्चन है उसका भी बुक आता है। ठीक है, आप लोग उसको भी ले सकते हो। और बाकी यूपी के लिए आप लोग यूपी स्पेशल कोई ले सकते हो बुक। ठीक है, मैं यहाँ पर यूपी स्पेशल के लिए दृष्टि का मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, दृष्टि का बुक आता है। ठीक है, यूपी स्पेशल करके, तो उसको आप लोग ले के पढ़ सकते हो और इसकी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। तो यहाँ पर दोस्त उत्तर प्रदेश से सामान्य जानकारी में आप लोगों को पूछा जाएगा प्रश्न पत्र के इस भाग में उम्मीदवारों से उत्तर प्रदेश का विशिष्ट ज्ञान, इतिहास, संस्कृत, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएँ, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, मतलब कि इन सभी
चीज़ों से जो है जितनी भी चीज़ें हैं हमारे यूपी में, यूपी से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यूपी स्पेशल करके दृष्टि का बुक आता है, उसको ले लीजिए, वो आप लोगों के लिए सफिशियंट होगा। उसमें सारी जो करंट की चीज़ें हैं यूपी से रिलेटेड और जो भी प्रीवियस हैं, ठीक है, चीज़ें हैं जो यूपी के बारे में जानकारी है, वो सारी चीज़ें उसमें दिए गए हैं जो यूपी से रिलेटेड आप लोगों का ये सारा इतिहास, संस्कृत कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, ठीक है, वन्य जीव, खान, यहाँ पर खान, खाद्य एवं खनिज, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, इन सारी चीज़ों के बारे में उस बुक में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और मतलब कि उससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा आप लोगों के UP SSC इस जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए। मतलब कि यहाँ पर जो सिलेबस है, इन्होंने 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर के होंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग कट ऑफ क्लियर किए हो, आप लोग एलिजिबल हो मेन एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप लोग इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए और जो जूनियर असिस्टेंट का जो एक सीट है उसको पक्का करिए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे ही नेक्स्ट महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।